घर की बात घर में। आनंद रत्नाकर 17 मार्च जी। भगवान उसी का पक्ष लेते हैं जो उनका भजन करता है। देखो वृत्रासुर की कथा बड़ी लंबी है। वृत्रासुर का इंद्र के साथ बड़ा भीषण और लंबा युद्ध हुआ। इसी लंबे युद्ध के प्रसंग में वृत्रासुर ने पहले इंद्र आदि देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। पराजित देवता लोग बड़े दुखी होकर विष्णु भगवान के पास गए और उन्होंने उनको अपनी कष्ट कथा सुनाई। ये वृत्रासुर का ये कैसे प्रकट हुआ वृत्रासुर, तो इंद्र जो है, इंद्र अपने ही गलती से उनके गुरु बृहस्पति रूठ गए थे। और अब मतलब पुरोहित का होना तो जरूरी है, गुरु का होना तो जरूरी है। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि विश्वरूप जो है, विश्वरूप करके था, बोले इसको बना लो। तो विश्वरूप बन गए क्योंकि बृहस्पति तो अंतर्धान हो गए। और विश्वरूप ने क्या किया कि नारायण कवच दिया। गुरु नहीं थे ना बृहस्पति, जब नहीं रहे ना तो असुरों ने विजय प्राप्त कर ली थी। इंद्र भटक रहा था मारा मारा क्योंकि स्वर्ग पे उनका राज्य हो गया। तब फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि विश्वरूप को बनाओ। विश्वरूप ने नारायण कवच दिया और नारायण कवच देने के बाद ये वापस जीत गए। जीत गए तो अब वो विश्वरूप रह गया ना पुरोहित। तो विश्वरूप को नाना के उधर के संस्कार थे, तो वो जो आहुति देता था तो वो असुरों को भी देता था। तो इंद्र को पता लग गया, तो वो तो बहुत गलत है, असुरों को आहुति दे रहा है हमारा पुरोहित, तो मार डाला उसको। तो वो ब्रह्म हत्या लगी उसको, क्योंकि विश्वरूप को जो मारा ना, और विश्वरूप का जो पिता था वो, उसने फिर ये अनुष्ठान किया कि इंद्र को मारने वाला। तो इंद्र को मारने वाला तो नहीं, क्योंकि उसका जो बोलने में मंत्र उच्चारण में गलती हो गई, तो इंद्र से ये मारा जाएगा वृत्रासुर। और है बहुत जबरदस्त है, तो इसलिए महाराष्ट्र कह रहे हैं कि वृत्रासुर की कथा बड़ी लंबी है। वृत्रासुर का इंद्र के साथ बड़ा भीषण और लंबा युद्ध हुआ। और इसी लंबे युद्ध के प्रसंग में वृत्रासुर ने पहले इंद्रादि देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी, है ना। तो अब वापस से पराजित हो गए देवता लोग, तो बड़े दुखी होकर विष्णु भगवान के पास गए और उन्होंने उनको अपनी कष्ट कथा सुनाई। तो विश्वरूप के पिता ने जो अनुष्ठान किया ना, तो उसमें तो चाहता तो यही था कि भाई इंद्र को मारने वाला, पर वो इंद्र से मरेगा एक्चुअली। तो मरेगा तो कैसे मरेगा, अब ये दधीचि की हड्डी का, विष्णु भगवान तो भक्त पक्षपाती हैं। तो अभी अगले दो पैराग्राफ हैं, जोर से खींचो, जोर से खींचो, इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला। अच्छा जा रहे हैं, मतलब तुरंत निकलना है? नहीं हाँ, बैठे 5 मिनट, ठीक 5 मिनट बाद में बता दूंगा, है ना। तो अब यहाँ बात ये बता रहे हैं कि विष्णु भगवान तो भक्त पक्षपाती हैं, तो ये जो दो पैराग्राफ है ना, ये बहुत काम के हैं हम लोगों के लिए। विष्णु भगवान तो भक्त पक्षपाती हैं, वे भगवान धर्मराज की तरह पाप पुण्य का न्याय नहीं करते। यानी यमराज जो है, धर्मराज मतलब यमराज, तो वो पाप पुण्य का, जो पापी है उसको नरक में डालो, जो पुण्यवान है उसको स्वर्ग में। जी। पुस्तक होगी तो कह रहे हैं कि यमराज जो है वो तो पाप पुण्य का न्याय करते हैं, और ये क्या करते हैं विष्णु, वे तो उसी का पक्ष लेते हैं जो उनका भजन करता है, यहाँ पे है ना। अच्छा अब और सुनना, बड़ी बहुत मजेदार बात। निस्संदेह भगवान, अब ये महर्षि का वाक्य है, निस्संदेह भगवान यदि अपने भक्त का पक्ष न लें तो भक्ति संप्रदाय का लोप हो जाएगा। यानी भगवान को अपने भक्तों का पक्ष लेना ही पड़ेगा। यदि भगवान अपने भक्त का भला न करें, उसकी सहायता न करें, उसको पाप ताप से छुड़ाए नहीं,
दोष दुख से मुक्त न करें तो कोई उनका भजन क्यों करेगा। इसीलिए विष्णु भगवान को अपने भक्तों का पक्षपात करना पड़ता है, और देवते लोग इस बात को जानते हैं कि विष्णु भगवान भक्त पक्षपाती हैं। तो ये जो है वृत्रासुर, ये भी दैत्य है, तो अब इसकी तो मौत होनी है इंद्र के हाथों। तो अब इंद्र ये तो जीत गया था, तो जीत गया था तो स्वर्ग का राजा बन गया। तो अब ये देवता लोग गए ब्रह्मा जी के पास, तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा, जब विष्णु भगवान ने देवताओं का कष्ट सुना तब इंद्र से कहा कि तुम दधीचि ऋषि के पास जाकर उनसे उनकी अस्थि मांगो, जब वे अपनी हड्डी दे दें तब उससे तुम वज्र बनवाना, उसी वज्र से वृत्रासुर की मृत्यु होगी। पहले से विधान निश्चित है किसका कैसे क्या होना है। तो ब्रह्मा जी तो पूरी सृष्टि बनाई है, तो उनको तो पता है। अच्छा, अब दधीची अपनी हड्डी क्यों दे भाई? तो बहुत लंबा वहाँ प्रसंग है ना। दधीची के पास गए कि आपकी हड्डी चाहिए, बोले तुम लोग कमाल करते हो। हाँ, पर क्या है कि दधीची जो है वो ब्रह्मज्ञानी है, तो ब्रह्मज्ञानी के लिए शरीर का कोई वो नहीं है। तो दधीची की अस्थि से वज्र बना और उस वज्र को लेकर इंद्र युद्ध भूमि में पहुंचे। इसके बाद भयंकर युद्ध हुआ। अब यहाँ आज के प्रसंग में महर्षि को, आज के पृष्ठ में वो प्रसंग लिया है मैंने महर्षि द्वारा जो बताया हुआ है कि युद्ध करते करते वृत्रासुर के हृदय में ऐसी भक्ति का उदय हुआ और उसने भक्ति भावापन्न हृदय से कुछ ऐसे उद्गार प्रकट किए जो अद्भुत हैं। तो वो जो उद्गार प्रकट किए वो तो है बड़ा प्रसिद्ध भागवत में, यानी 18,000 श्लोकों में चार श्लोक हैं। एक तो है वो, उसको कहते हैं कि बड़ा उसका प्रसिद्ध नाम है, तो वो जो चतुष्टय चतुश्लोकी भागवत, तो चतुश्लोकी भागवत बड़ी प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा जी ने, ये भागवत जो 18,000 श्लोक की बनी है इधर है, तो 18,000 श्लोक ये तो एक ही खंड है, दूसरा खंड और है। तो दो खंडों में 18,000 श्लोकों में जो भागवत है उसमें चतुश्लोकी भागवत, यानी ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने चार श्लोक ब्रह्मा जी को प्राप्त हुए नारायण से, वही चार श्लोकों का 18,000। वो चतुश्लोकी भागवत तो बड़ी प्रसिद्ध है, पर वृत्रासुर ने जो भगवान की भक्ति के कारण जो चार श्लोक बोले हैं वो भी चतुश्लोकी, चतुश्लोकी वृत्र उसका नाम था वृत्रासुर, तो वृत्र चतुश्लोकी ये कल आएगी। तो आज फिर क्या है, आज जो है उसके चतुश्लोकी बोलने के पूर्व उसके हृदय में जो बातें थी वो दो श्लोकों में उसने प्रकट किया है, वो ही आज का प्रसंग है। वो दो श्लोकों का भाव महाराज नीचे देंगे, तो अभी मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। तो इसके बाद भयंकर युद्ध हुआ और युद्ध करते करते, ध्यान देना क्या हुआ कि ये लोग भागने लगे असुर लोग। तो असुर लोग जब भागने लगे देवताओं का जब ये हुआ, तो वृत्रासुर ने कहा कि ऐसे मत करो, क्योंकि पीठ दिखाना वो ठीक नहीं है युद्ध में। युद्ध में सामने से मारे जाना सीधे स्वर्ग, पर पीठ दिखाना वो ठीक नहीं है। तो उनको समझाया भी, पर वो तो लोग डर गए थे, भाग गए थे वो लोग। फिर इसने ललकारा अकेले नहीं, देवताओं को बहुत ज़बरदस्त था वो। बोले कि ये जो भाग रहे हैं उनकी क्या मार रहे हो, है ना, ये तो तुम ही लोग गलत कर रहे हो, जो भाग रहे हैं उनको मार रहे हो। बोले आओ मेरा मुकाबला करो। और ये युद्ध करते करते वृत्रासुर के हृदय में ऐसी भक्ति का उदय हुआ और उसने भक्ति भावपन्न हृदय से कुछ ऐसे उद्गार प्रकट किए जो अद्भुत हैं। अब यहाँ क्या हुआ कि युद्ध रुक गया और वो जो उद्गार प्रकट किए, तो आज का देखना और फिर कल वो जो चार श्लोक हैं। आज तो भूमिका है, पर भूमिका में ही वो दो श्लोकों में इतनी जबरदस्त बात कहता है, तो वो चतुश्लोकी में नहीं है। चतुश्लोकी तो एकदम जबरदस्त भक्ति है, ये तो थोड़ा सा इसमें व्यवहार है। भक्ति नाम मात्र है, पर भक्ति के कारण ये भाव उत्पन्न हुए। क्या वो कहने लगा कि हमारे आराध्य देव संकर्षण भगवान ने मुझे जैसे मुझे बताया है
वैसे ही मैं उनके चरणारविंद में अपना मन लगाऊंगा। तो इसके आराध्य देव संकर्षण भगवान कहाँ से हो गए? तो फिर ये जब पूरा हो गया ना, वृत्रासुर मर गया, तो उसके बाद परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव जी को कि असुर के चित्त में ऐसी भक्ति कहाँ से आई? जैसे वो प्रहलाद था, वो भी दैत्य था, हिरण्यकश्यपु का बेटा था ना, तो वो तो माँ के पेट में था उसी समय नारद जी ने ये दिया था, उसमें कारण वो बना। यहाँ वृत्रासुर में ये भक्ति कहाँ से आई? तो फिर इसके पूर्व जन्म की कथा सुनाइए कि राजा चित्रकेतु एक थे, फिर वो राजा चित्रकेतु की जो कितनी हजार पत्नियाँ थी और वो पत्नियों किसी को संतान नहीं थी, फिर अंगिरा और ये नारद आए और पुत्र दिया। पुत्र चल बसा क्योंकि रानियों ने विष दे दिया। तो अब वो जब मर गया तो इसको बड़ा चित्रकेतु को ये हुआ, तो फिर नारद अंगिरा आए, उस समय उन्होंने संकर्षण मंत्र दिया। तो इसने साधना करके वो मंत्र को सिद्ध कर लिया। फिर इसको एक विमान मिला, विमान से घूमता था चित्रकेतु। और फिर वो एक बार कैलाश पे अपना बैठे थे, भगवान शंकर पार्वती को गोद में लिए और सब सब ऋषि महर्षि सब बैठे थे, सत्संग चल रहा था, ये विमान से उतरा, बोले कि काहे के पत्नी को गोद में बैठाए हैं। तो फिर इसको शाप मिल गया पार्वती का। तो पार्वती जी ने शाप दिया कि तू यहाँ सिखाने आया कि कैसे बैठना चाहिए? अरे बड़े बड़े ऋषि लोग हैं, यानी हर जगह का हर जगह नियम लागू नहीं होता, तो उसकी वो गलती हो गई। तब उसको ये वृत्रासुर तो था, तो संकर्षण का, तो इसीलिए कह रहे हैं कि संकर्षण भगवान ने जैसे मुझे बताया है वो भक्ति एकदम प्रकट हो गई। चित्रकेतु राजा जो था वही वृत्रासुर बना है श्राप के कारण। तो कह रहे कि वैसे ही मैं उनके चरणारविंद में अपना मन लगाऊंगा, ये शरीर कटकर गिर जाएगा और मैं अपने लोक में चला जाऊंगा। यानी उसको सब पता है कि ये दधीचि ऋषि का जो है वज्र, इसी से मेरा शरीर पूरा होगा। अब ये कह रहा है कि इसको तो राज्य मिल गया था ना, तो राज्य मिल गया था तो ये स्वर्ग का राजा था, पर अब वो चूँकि मरने वाला है, तो मरने वाला है तो कह रहा है संसार अथवा त्रिलोकी की भी संपत्ति भगवान अपने भक्त को नहीं देते, क्योंकि जहाँ संपत्ति आती है वहाँ उसके साथ घृणा द्वेष, एक उद्वेग, दो चिंता, तीन अभिमान, चार कलह, पांच दुख, छह और परिश्रम, सात। सात चीजें तो यहाँ गिनाई है। और भगवान जब उद्धव को बोलेंगे एकादश स्कंद में तो वहां पर 13 चीजें भगवान ने गिनाई है ना। तो ये अपने आप आते हैं, तो भगवान तो नहीं देंगे अपने भक्तों को। तो महर्षि अब यहाँ चूंकि ये बात आ गई ना, संपत्ति के साथ ये सात चीजें आती हैं, तो महर्षि ने कहा कि देखो वृत्रासुर की बात तो सच्ची है, पर सब लोग विचार के अनंतर इसको समझ सकते हैं। मतलब सीधे कोई कहे कोई नहीं मानेगा है ना, पर जब विचार करेगा, विचार के अनंतर मतलब पहले संपत्ति आ जाएगी, फिर संपत्ति से ये सब कष्ट होंगे, तब विचार करेगा तो बोलेगा बात बिल्कुल सच्ची है ना। तो इसलिए नंद किशोर तो अभी लगा हुआ है तो कह रहे मतलब इसमें गलती नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या है, यहाँ भाव इतना ही है महात्माओं का कहने का कि उस संपत्ति का सदुपयोग हो। संपत्ति जब ये उद्वेग वगैरह कब लाती है? जब उससे वो व्यक्ति पीना शुरू कर देता है ना, जुआ, स्त्री, ये सब है, तब ये सब बातें आती है, द्वेष, उद्वेग, चिंता, अभिमान, कलह, दुख, परिश्रम, ये तब आते हैं। पर जो साईं के भगत हैं, महर्षि के भगत हैं, उनके यहाँ संपत्ति दुख नहीं देगी। क्यों? क्योंकि उनको पहले से ही संस्कार है कि संपत्ति का संतों की सेवा करनी है ना। अपना परिवार तो ठीक ही है, परिवार में बच्चों को पढ़ाना है, उसमें तो लगेगा ही लगेगा, पर उसके साथ ही साथ उसका भी ध्यान रखते हैं, है ना। तो इसलिए उस दृष्टि से नंद किशोर का लगना ठीक है ना, क्योंकि इस उम्र में नहीं लगेगा तो कब लगेगा। अच्छा, अब देखो आगे आगे महर्षि कह रहे हैं कि फिर भी ये बात जल्दी गले के नीचे नहीं उतरती कि संपत्ति के साथ इतने दुख आते हैं। अब महर्षि प्रसंग को वापस लेते हैं। वृत्रासुर ने आगे कहा, इंद्र
हमारे स्वामी का ये स्वभाव है कि जब कोई धर्म अर्थ अथवा भोग के लिए प्रयास करता है तब वे उसके प्रयास को निष्फल कर देते हैं। अच्छा। हाँ, हे इंद्र, भगवान तुमको ऐश्वर्य इसलिए देंगे कि तुम पराये हो और मुझसे ऐश्वर्य इसलिए छीन लेंगे कि मैं उनका अपना हूँ। कमाल कर लिया। भगवान का मेरे प्रति जो प्रेम है उसको मैं पहचानता हूँ। देखो वृत्रासुर के कथन में कितनी दृढ़ता है। अंत में महर्षि ये वाक्य कह रहे हैं, कितना भगवत विश्वास है। यदि ऐसी दृढ़ता, ऐसा भगवत विश्वास लोगों के हृदय में, यानी हम लोगों के हृदय में आ जाए तो कितना अच्छा है ना। तो ये जो उसने कहा ना कि स्वामी का ये स्वभाव है कि जब कोई धर्म अर्थ अथवा भोग के लिए प्रयास करता है तब वे उसके प्रयास को निष्फल कर देते हैं। तो वहाँ धर्म के लिए क्यों कहा कि धर्म जो है उसमें एक ऐसी स्टेज आती है जब व्यक्ति को सिर्फ भगवान का प्रेम चाहिए। तो भगवान का प्रेम चाहिए मतलब मुख्य रूप से उसका जो है भक्ति की पराकाष्ठा। तो वहाँ पर जो धर्म है वो भी बाधक है, क्योंकि धर्म करने जाएगा तो भगवान छूट जाएंगे। तो उस दृष्टि से धर्म को भी विफल कर देते हैं। तो धर्म को विफल कर देते हैं मतलब प्रेम में ही वो लगा रहता है, उसी में लगा रहता है दिन रात। तो बहुत उच्च कोटि की वो बात है, नहीं तो ये बात लगेगा कि भाई कैसे कह दिया कि धर्म को भी विफल, अर्थ और भोग का प्रयास तो विफल करते हैं वो तो सब सुना है, पर धर्म का प्रयास विफल कर देंगे, यानी धर्म उसको अटका रहा है। धर्म क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम धर्म करेंगे तो पुण्य होगा तो स्वर्ग जाएंगे, तो स्वर्ग जाएंगे तो स्वर्ग से फिर वापस आना पड़ेगा। तो जन्म मरण का चक्र नहीं छूटता है, उस दृष्टि से कह रहे हैं कि वहाँ धर्म का प्रयास भी विफल कर देंगे। ये बहुत ज़बरदस्त है अध्यात्म को, जब तक इसीलिए बोले ना 15वां पृष्ठ समझ में नहीं, 15 तारीख का पृष्ठ है तब तो जैसे कि कुछ खजाना मिल गया। टॉप ऑफ टॉप।